पास चुप कर जॉब। कब से सुने जा रहा हूं तुम्हारी बात, तुम हद से बढ़ रही हो, बड़ी है वो तुम्हारी। और ये बदजुबानी करना बंद कर दो वरना सारी जिंदगी पछताओगी। मुझे डांट रहे हैं आप, अपनी इकलौती बहन को ही डांटेंगे ना अब आप? मैं आपकी बहन हूँ, आप शमा के पीछे लगे मुझे कैसे डांट सकते भाई? अम्मा देख रही है ना। अच्छा चुपी चुपी संभालो खुद को। मुझे ये उम्मीद नहीं थी भाई आपसे, शमा को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। उर्फी क्या कर रहे हो यार, हो क्या रहा है सब कुछ? हाय मैं की दसा तेन, वो दोनों जादूगरनियों ने मेरे बेटे पे जादू कर दिया है, भोरे काला जादू कर दिया है। क्या किया? देख मेरा अपना खून जहर का टीका लगा गई है मुझे, है घर को आग लग गई, घर के चिराग से मैं तो लुटी पुटी गई है। यहाँ मेरे मौला मेरा पढ़िया लिखिया मासूम बच्चा लाए डीएनए लामिया। बड़े अफसोस की बात है उर्फी। किस बात का अफसोस है तुम्हें? किस बात का कि इनके गलत मामलात में मैं इनका साथ नहीं देता? सिर्फ इसलिए कि ये मेरी बहन और ये मेरी माँ है। तबरेज शफक मेरी होने वाली बीवी है और तुम्हारी तरह मैं अपनी बीवी के साथ ज्यादती नहीं कर सकता। जादू करते खराब हो जाएगी, बस संभालो जल्दी आओ। हाय अल्लाह मेरी बात सुने, ये क्या आप हर वक्त अपने चक्रों में पड़े रहते हैं, कोई मेरी भी बात सुन लिया करे, मैं बहुत परेशान हो रही हूँ। सुने हो क्या हो गया है, ये सब मेहनत जो है मैं किसके लिए करता हूँ? और पैसा कमाना कोई आसान काम तो नहीं है, सब तुम्हारे लिए करता हूँ। बंद करे ये खाते, इस वक्त सबसे जरूरी है मेरी बात सुने। लो जी कर दिए बंद, हुक्म बोलो। आपने तो प्रेस को देखा है? अल्लाह ने वक्त से बचाए हमारे पुत्र को। नहीं वो बात नहीं कर रही मैं, आपने देखा है उसकी अणियां जाणियां, उसकी नजरें देखी हैं आपने? फुल पागल हुआ है अदन के पीछे, इतनी लिफ्ट करा रही है कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मुझे तो फिक्र हो रही है इसको क्या हो गया, कहीं ऐसा ना उसकी मोहब्बत में हार के सुंबल से शादी पे इनकार कर दे। और नहीं तबरेज इतना बेवकूफ नहीं है। बेवकूफ नहीं है, मोहब्बत अंधी होती है, आपको नहीं पता बड़े बड़े की अकलों पर पर्दे पड़ जाते हैं। हाँ जी उसको कहीं आप बस हमने मिल लिया, बस तू अब ना वापस जा शहर, बस बहुत मुलाकात होगी। फिक्र मत करो, कर लूंगा मैं बात उससे। और आपने देखा उस मीसनी को है, कितनी वो मीसनी छोटी शुरली आगे पीछे होगी, खिदमत गुजारी में हमें दिखाती है बड़ा जैसे बड़ी मासूम है, बीच में से ये है वो, हाय लड़के को दबाना बनाया हुआ है। मैं तो हैरान हो गई, मैंने सोचा था कि ये तो नजर उठा के उसको देखेगा भी नहीं, लवे वो तो दीवाना हुआ। फिर थोड़ी फिक्र ना करो, संभाल लूंगा मैं सब। मेरी बात सुने, करें इसका पता साफ करें। और तुम समझती क्यों नहीं हो? अच्छा नहीं समझती मैं, नहीं समझती भाई, जो करना है मेरा कर ले। हाय मेरा शीशे जैसा प्यारा लड़का, इतना लैक फैक, उसके साथ खड़ी होने का काबिल नहीं है वो, रोड़ दिया हमने, चांद पे दाग लगा दिए। और सफिया ठंडा कर, ठंडा कर, जब तक हमारी चूही बेटी का ब्याह नहीं ना हो जाता बर्दाश्त करो। हमने कौन सा उसको बलादरी में ब्याना है? वो फिर भी जब कह रहा हूँ बर्दाश्त करो तो बर्दाश्त करो, और मत दो अपने आप को। अच्छा एक बात तो बता, ये जो सुंबल कोई हतमी बात उसके बारे में कर सकती हो? भाई उसने कहा है कि वो हमारे पे खर्चा करेगी, वो कर रही है, और मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है बस। अच्छा मेरी बात सुनो, तबरेज से बात करें आप, मैं उसे बुलाऊं? बुलाऊं? क्या बुला? हाँ मैं कहती हूँ बाजी बुला रहे, ठीक है उसे बात करें। ये क्या तमाशा है भाई, ये नहीं हो सकता बिल्कुल, ये बात मुझे पसंद नहीं आई।
तुम्हारी अम्मा ने मेरी अम्मा की बहुत ज्यादा बेइज्जती कर दी उर्फी। मेरी अम्मा में तुम्हारी कुछ नहीं लगती क्या? लगती हैं। मेरे होने वाली सास। बस बाकी तो वो सारे रिश्ते खत्म कर चुकी। जानती हो शफ़क, डरने लग गया हूं। शायद थक भी गया। अभी तो हमारी शादी नहीं हुई और ये झगड़े हैं कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहे। तुम जानती हो मैंने सारी जिंदगी अपने माँ बाप की खिदमत की। उनकी हर बात को, हर ख्वाहिश को हुक्म समझ के माना। तुमसे भी बस हमेशा यही चाहा है कि उनकी इज्जत करो, उनसे प्यार करो, उस घर का, उस खानदान का हिस्सा बनो। शिकायत करने का मौका नहीं था। मैं कब शिकायत का मौका देती हूँ? मैं तो ऐसी कोई हरकत ही नहीं करती। वो हालात ही ऐसे पैदा कर देती हैं कि मैं। सब हालात से नुकसान किसका हो? सिर्फ तुम्हारा और मेरा। बड़ों की इस लड़ाई में कहीं हम दोनों एक दूसरे से दूर ना हो जाए। तुम्हें मुझसे हमेशा ये शिकायत रहती है ना कि मैं सबका नौकर बन के रहता हूं, हर किसी के काम आने की कोशिश करता हूं, सबकी मानता हूं। शफ़क, जिंदगी में रिश्तों के अलावा और होता ही क्या है? और ये रिश्ते जो है ना, इन्हें बचाने के लिए अपनी जात की नफी करनी पड़ती है। क्योंकि जब हम ऐसा नहीं करते ना, तो ना ये रिश्ते बनते हैं और ना ही चलते। सभी बस इतना ही कह रहा हूं, इन रिश्तों को बचा लो। इन्हें बचा लो। Thank you.
दुर्योधन कहाँ रह गई हो यार, जल्दी आ जाओ, मैं लेट हो रहा हूँ। ये इसको हैंगर में से निकाल के ना बैग में डालो। जी तुम्हें क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो बस जुकाम है, मौसम बदल रहा है ना। आप ही ना जाते साथ सर्दियों के कपड़े खरीद लीजिएगा। मैं तो खरीद ही लूंगा, तुमने सर्दियों के लिए कोई कपड़े नहीं बनाए है ना। जो शॉल आपने दी थी बहुत कीमती है मेरे लिए, इन्हें अब तक संभाल कर रखी है। मुझे याद आया, मैं बस एक सेकंड आता हूँ। कहाँ जा रही हो? चार्जर रह गया, चार्जर यार। ये लीजिए। ये क्या है? बादाम का हलवा, मैंने बहुत मेहनत से आपके लिए बनाया। बादाम का हलवा तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। आपको पसंद नहीं है? नहीं, अब पसंद की बात नहीं है, मैंने पहले कभी खाया नहीं है। मैंने बहुत अच्छा बनाया, ताई जी कहती हैं कि सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है, आप एक दफा ट्राई तो करें। अच्छा छोटा बाइट तो छोटा करो। हैं? ये क्या हो रहा है? पैकिंग कर रहा था अम्मा, अदन ने हलवा बनाया बादाम का। हाँ तो मुझे नजर आ ही रहा है, तो तू क्या कर रहा था? मेरे तो अम्मा किसी काम का नहीं है, कहाँ लेके ट्रेवल करूंगा, आपको रखना है तो आप रख ले। तू किधर लेके जाएगा, रस्ते में सारा रूठ जाएगा, जाना नहीं है पुत्र। बस हो गई होगी, कब निकलेगा, कब पहुंचेगा, इधर ही बैठा रहेगा। चल आ जा, तेरे अब्बा जी ने बड़ी जरूरी बात करनी है लाहौर के बारे में, प्राइवेट। अच्छा चले आप चले, मैं आप। नहीं नहीं साथ चल तू मेरे, आ जा आ जा, रुक तू इधर ही रुक। खैरियत से आ गई हो ना, पानी शानी पियोगी? कुछ नहीं चाहिए मुझे। मुझे ये बताओ क्यों बुलाया है, तनवीर के बारे में कोई खबर मिली है? देखो यार, तुमने ये काम मेरे वाले किया है, और तुम तो जानती हो मैं कोई काम अधूरा नहीं छोड़ता, तुम फिक्र ना करो। देखो अगर पैसों की बात है ना, तो पैसों का बंदोबस्त कर लूंगी मैं अपने ससुर से बात करूंगी, वो दे देंगे तुम्हें पैसे। क्या मतलब, तुमने उनके सामने मेरा नाम लिया? ये गजब ना करो, मैंने अपने तरीके से काम करना है, अगर चोरी छुपे पैसे ला सकती हूँ तो ठीक है, मेरा नाम ना लेना, बदनाम हो जाऊंगा कि मैं रिश्वत लेता हूँ। अच्छा ठीक है। वैसे कितने पैसे लाओगी? मुझे क्या पता कितने ला सकती हूँ, छुप के लाऊंगी, जितने आते कहेंगे ले आऊंगी। हाँ ये भी ठीक है, और सुनो जरा जल्दी पैसे ले आना, काम तो एक दो दिन में हो जाएगा। हाँ ठीक है, करती हूँ कुछ। ठीक है, वैसे ना बड़ी वफादार हो तुम, और एक वो है तुम्हें छोड़ के दुर्योधन से ब्याह करने पे तुला हुआ था। बस एक दफा हवाला से छूट कर आ जाए ना तनवीर, सारी बेवफाइयों के बदले लेने हैं मैंने। हाँ हाँ लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। अच्छा मैं जा रही हूँ अब, कल फोन करूंगी, और पैसों का बंदोबस्त हो गया तो पैसे भी ले आऊंगी। हाँ ठीक है, अब खैरियत से जाना। सौदा पक्का है यार,
तो फिर पैसे तैयार रखो, कल आ रही है। इतने दिन लगा दिए तुमने तबरेज। हाँ सॉरी, वो थोड़ा लेट हो गया। तुम बताओ यहाँ पे सब सेट? मिस किया तुमने मुझे? एक्चुअली मैं बहुत बिजी रही हूँ, मेरे पास टाइम नहीं था इन सब चीजों के लिए। तबरेज वैसे मैं कुछ और सुनना चाह रही थी। जब तुम मुझे छोड़ के इतने दिनों के लिए दूर जा सकते हो तबरेज, तो फिर तुम मुझसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो कि मैं तुम्हारी याद में सब कुछ छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं? सुंबुल, मैं सॉरी कह तो रहा हूं, और वैसे भी मैं तो चाह रहा था कि तुम्हारे पास जल्द से जल्द आ सकूं, लेकिन मजबूरी थी। चलो मैं नहीं था, मेरा दिल तो था ना यहीं तुम्हारे आसपास। बातें खूब बनाने लगे हो तुम। अस्सलाम वालेकुम सर। अरे वालेकुम सलाम जावेद भाई, कैसे हैं? जी अल्लाह का शुक्र। क्या खिला रहे हैं आज खाने में? बहुत भूख लग रही है आज तो। आपकी पसंद की सब डिशेज बनाई है, अभी लगा देता हूँ। लगाए मैं आ रहा हूँ। आप क्या कह रहे हैं? जब मैंने कहा था कि रेहान साहब साइड पे जाएंगे तो फिर अमजद साहब क्यों गए? मैं सुबह ऑफिस आ रही हूँ, आप रिपोर्ट तैयार रखिए। ओके चले, लेट्स हैव सम फूड। तबरेज वेट, मुझे काम है। सुबह मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया हुआ यार। लेट्स, क्या हो गया? तुम वेट नहीं कर सकते थोड़ी देर के लिए? गॉड सेक। जी कुरैशी साहब। आपका नाश्ता तैयार है। मुझे पता है मैं ये हाफ फ्राई एग नहीं खाता, मुझे ऑमलेट चाहिए होता। आप जाम भी ले आऊं? पहले चाय तो ला के दो यार, बाद में ले आना। बस तैयार है, मैं भी लाती हूँ। चाय लो। चीनी सही से मिक्स किए ना? जी जी, एक चम्मच। अच्छा बात सुनो, ऑमलेट बनाने में तो बहुत टाइम लगेगा, तुम ब्रेड पे जैम लगा दो मुझे। ठीक है। चाय भी बस ठीक है। हो गया, लाओ। कैसे लगाते हैं जैम? अदन जी, क्या हुआ? इतनी गहरी सोच में क्यों घूमे आप? मुझे लगता है तबरेज को याद कर रही है ना। अच्छा सुने, वो बात की आपने उसे साथ लेके जाने की? नहीं। क्यों? आपने तो बात करनी थी ना। शायद वो चाहते ही नहीं है कि मैं उनके साथ जाऊं। नहीं 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 अदन जी, ऐसी ऐसी कोई बात नहीं है। मेरी तबरेज से बात हुई थी बहुत तफसीली, और वो मुझसे कह रहा था कि इस बार ना सही लेकिन अगली बार मैं दुर्योधन को अपने साथ लेकर जाऊंगा। सच, बल्कि वो मुझसे ये भी कह रहा था कि दुर्योधन से बात कैसे किया करूं, वो तो खुलकर मुझसे कोई बात ही नहीं करती। ऐसा है क्या? शायद ठीक ही कह रहे थे,
लेकिन मुझे लगता है कि यहाँ के लोगों को मेरी ज्यादा जरूरत है। चचा जान, चची जान, उनका भी तो ख्याल रखना है ना। ये तो बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। दरअसल यहाँ के लोगों को आपकी ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जूही ने तो हाथ पांव हिलाने नहीं, अम्मा ने सारा दिन तख्त पर लेटे हुक्म जारी करते रहना है, और अब्बा जी उनकी क्या ही बात करूं। क्या हो गया आपको अदन जी? उन सारे जमाने का दर्द अपने सर पर लिए घूम रही। अच्छा सुने, वो आपको याद है आपने मुझसे एक दफा कहा था कि आप अपनी तालीम मुकम्मल करना चाहती हैं, तो पढ़ाई शुरू करते हैं ना। अब कैसे पढ़ाई शुरू होगी, मेरे पास वक्त ही कहाँ है। सुबह से शाम हो जाती है, काम ही खत्म नहीं होते, मैं कैसे पढ़ूंगी। आपके पास दुखी होने का वक्त है, किसी गहरी सोच में जाने का वक्त है, लेकिन तालीम हासिल करने का वक्त नहीं। बस आज तय हो गया, आज से मैं आपका उस्ताद हूं और आप मेरी शागिर्द। पढ़ाई का वक्त आपकी मर्जी का और पढ़ाई मेरी मर्जी की। किताबें आपकी आ जाएंगी और आज से हम अपनी तालीम वापस शुरू करने लगे, ठीक है। वाह भाई वाह, क्या राजो न्याज हो रहे हैं दोनों में, आखिर मुझे भी तो पता चले। क्या कह रही हो तुम, सोच समझ कर बात किया करो। भाई ये सारे सबक मेरे लिए हैं। और आप अदन और भाभी जान, कभी हमारे साथ भी मिलके बैठे हैं। इतना घुलती मिलती आप हमारे साथ तो हैं नहीं, जैसे यहाँ बातें करिए कभी हमारे साथ भी कर लिया करें। जूही तुमने कभी मौका ही नहीं दिया, मतलब क्या मतलब? कोई मतलब नहीं है उनका जूही, तुम्हें हो क्या गया है? इस घर में तकरीबन हर इंसान से तुम्हें मसला है, यहाँ तक कि शफक से भी जो अब तक इस घर में आई नहीं है। शफक जरूर उसी ने मेरी शिकायत लगाई होगी, कहा था मैंने अम्मी से, अभी वो इस घर में आई नहीं कि उसकी साजिशें पहले ही शुरू हो गई। अम्मी को बताती हूँ। अम्मी, अम्मी आप सुन रही है ना, उसमें भाई की बातें तो सुने जरा। तुम्हें क्या हो गया, तुम्हें क्यों तमाचा लगा रही हो, तुम्हारा कोई इलाज नहीं है। लेकिन उसका इलाज ना मैं करके ही रहूंगी, समझती क्या है वो खुद को, मेरी शिकायतें लगा रही है आपसे। अरे अदन जी आपको क्या हो गया, आप अब तक जूही की इन बातों पर दुखी हो जाती हैं? जो छोड़े उसको, वो तो बात ही ऐसे करती है। बस हमने जो इरादा किया है ना, हम उस पर अटल रहेंगे, हम अपनी पढ़ाई शुरू करेंगे, ठीक है। खुश रहें और ख्याल रखें अपना। हाँ जी, फिर हुआ घर से आप, कैसा रहा टूर? अरे बहुत जबरदस्त यार। भाई बात बताऊं तुझे, जब मैं घर जाता हूँ ना, बहुत मजा आता है। वहां पे जाके ऐसा लगता है कि यार मैं वाकई कुछ हूँ। हर बंदा इज्जत देता है, मेरी बात मानता है, मेरा कहा हर्फे आखिर माना जाता है। घर वाले सर पे बिठा के रखते हैं मुझे। वो भी मेरा मतलब कि हमारी भाभी जान भी। दुर्योधन ना एक रिवायती बीवी की तरह, शौहर की हर बात मानने वाली, उसकी खिदमत करने वाली, बेलौस मोहब्बत करने वाली, तो शौहर की अतात को अपनी जिंदगी से मिशन वाली। वाह यार, फिर तो मजे हैं तेरे। जैसे सुंबल मुझे ट्रीट करती है ना, दुर्योधन उसका बिल्कुल ऑपोजिट कर। कभी कभार ऐसा भी होता है कि गुस्से में या फ्रस्ट्रेशन में मैं उसे डांट देता हूँ,
अचाले मुतसिर उसके मुंह से एक लफ्ज भी निकला, उसने कभी पलट के जवाब नहीं दिया। ऐसा मत किया करो यार तबरेज, उन्हें किस बात की सजा देती हो तुम? तू नहीं समझ सकता यार, शायद मैं खुद भी नहीं समझ पाऊं, लेकिन एक बात पक्की है, जब भी मैं दुर्योधन के साथ होता हूं मेरी रूह को सुकून पहुंचता है, मेरी अनाज को तस्कीन मिलती है, इत्मीनान का एहसास होता है। अगर वो इतनी अच्छी है तो तुम संबल को छोड़ क्यों नहीं देते? नहीं छोड़ सकता मैं, हमारे ख्वाबों को ताबीर संबल में दी। मैं अगर जिंदगी भर भी जॉब करता ना तब भी ये लाइफस्टाइल हासिल नहीं कर पाता जो मुझे संबल ने दिया। ये बंगले, नौकर चाकर, गाड़ियां, ये सब जॉब करके नहीं हासिल की जाती है। यही वजह है कि मैं अगर चाहूं भी तो सोमल को नहीं छोड़ सकता। तुमने कभी ये सोचा कि जिस दिन सोमल को तुम्हारी पहली बीवी के बारे में पता चलेगा तब उसका क्या रवैया होगा? नहीं सोचा, तभी मेरा अच्छा वक्त चल रहा है। मैं बुरे वक्त के बारे में सोच के अपना अच्छा वक्त खराब नहीं करना चाहता। तू खाना खत्म कर यार फटाफट, तो चलते हैं उधर बॉलिंग एरिया। तुम्हारे इतने नान पे रश खाते हैं, देखो रश मत कर, खाना खत्म कर। संबल की कॉल, हेलो, कहाँ हो? ये काम से बाहर आया हूँ, क्या हुआ, सब खैरियत? तुम्हें याद है या नहीं या जानबूझ के इग्नोर कर रहे हो तबरेज? क्या मतलब है, मैं समझा नहीं। आज हमारे घर में गेस्ट आने वाले थे और डैड तुम्हें उनसे मिलवाने वाले थे, तुम्हें याद है या नहीं? So sorry, संबल, मेरे ज़हन से निकल गया, मैं बस निकल रहा हूँ, अभी फौरन आ रहा हूँ। जल्दी आओ, डैड बहुत गुस्से में है तबरेज, फौरन। अच्छा ओके, रिलैक्स, मैं आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। देख तो इन बाप बेटी के नखरे नहीं खत्म होते, छोटी छोटी सी बातों पे गुस्सा आ जाता है, और ऑर्डर तो ऐसे करते हैं जैसे गुलाम हो इनका। अर्जेंट जाना पड़ेगा, पैसे पैसे दे दे। दे रहा हूँ यार पैसे, ये ले सारे ले ले, बिल बिल क्लियर कर दो, ठीक है चल मैं जा रहा हूँ। तुम्हें अब तुम लोग घर जाओ, कल इसी वक्त पे आ जाना। हाँ ये इतना शोर डाला, मेरे सिर पीड़ हो गई है, चलो निकलो, चलो मामा संभाल दी नहीं मेरे जोगियाँ रखी है। ये क्या हो रहा है, मुझे समझ नहीं आई। वो चाची जान, ये आस पड़ोस के बच्चे हैं, इनकी माँ से मेरी बात हुई थी। वैसे तो तू बड़ी चुप चुप रहती है, बिचू है निकू नियर मिस नहीं, इनके माँ बाप से कब मिलने गई थी तू? कान खोल के एक बात सुन ले, इस घर में जो भी होगा ना मेरी मर्जी से होगा, अपनी मर्जियाँ नहीं चलानी तूने। पहले अपने घर की जिम्मेवारियाँ पूरी कर, किचन देखा गंदा पड़ा है, सारे काम पड़े, उसके बाद लोगों की करना, सारे भांडे वैसे ही पड़े हैं, कमरे में खिलरे पड़े हैं, खिलारे पड़े हैं, कोई होश नहीं है, बस स्कूल खोल लूं। माँ मेरी प्यारी अम्मा, क्या हो गया, इतनी फिक्र क्यों कर रही हो? नेकी का काम कर रही है, कर लेने दे। हाँ जी, वो तो मैंने पहले ही पता है, इस घर में तेरे बड़े हमैती हैं, बड़े तेरे वकील हैं, मुझे सारा पता है। मैं इत्थे रहना नहीं, मैं रहना ही चाहती थी, मेरी मर्जी नहीं है उत्थे मैं रहना नहीं, मैं जा रही हूँ अपने पुत्र के पास, जो करना है ना तुम लोगों ने करो, खसम खाओ, मैं तो वैसे ही चले जा रहा अपने पुत्र को। यकीन था चची जान मान जाएंगी। और मुझे हैरत हो रही है, अम्मा मान कैसे गई? वो मुझे नेकी करने से मना थोड़ी करेंगी। नेकी से तो नहीं रोक सकती आप, लेकिन अदन जी आपको एक बात बता दूं, अब हमें सारे काम ना वक्त से पहले करने पड़ेंगे, वरना शामत आ जाएगी। वो तो इंशाल्लाह मैं कर लूंगी, आपको खाना गर्म कर दूं? नहीं नहीं नहीं, खाना तो मैं खा के आया, शफा के घर है ना। क्या हो गया आपको? अम्मा ने सुन लिया ना तो मेरी पिटाई भी होगी और घर से भी निकाल देंगी, ये बात अब हम दोबारा नहीं करेंगे, ठीक है? ठीक है। जी मिलाई, तो
तबरेज एक बात अपने दिमाग में अच्छी तरह बिठा लो. हामिद साहब has been working with us for 20 years. He's like an advisor, you know. जी अंकल मैं जानता हूँ ये बात, और मैं आपसे कह रहा हूँ कि उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. अंकल मेरी ऐसी तरबियत नहीं है कि मैं अपने बुजुर्गों से बदतमीजी करूं. तो क्या हामिद गलत कह रहे हैं? Listen, मैं अच्छी तरह जानता हूँ ऑफिस में क्या चल रहा होता है. मेरी नजर हर तरफ होती है. आई नो तुम दूसरे लोगों को उन पे प्रिफर करते हो, उनके दिए गए वैल्यूएबल सजेशंस को यूं रूल आउट कर देते हो जैसे जैसे कोई बात ही नहीं है. डू यू नो मोर देन हिम? डू यू? कल मेरी बात का यकीन कीजिए आप, ऐसा कुछ नहीं हुआ है, उन्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है. ट्रस्ट मी. संभल, यू जस्ट हैव टू स्टार्ट कमिंग टू द ऑफिस. मैंने तुम्हें पहले भी कहा, लेकिन सब कुछ तुम्हारा है, तुम नहीं संभालोगे तो और कौन संभाले? सो स्टार्ट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी. विल यू? यस. एक बिजनेस डिनर है. Our company is going to enter into a pretty big contract with the company. And I want you to come. आठ बजे तैयार रहना. उर्फी ने खाना खाया था दोपहर का? नहीं, वो तो कह रहे थे कि वो खा कर आए हैं. सुन लो, चल ठीक है, चाह रहे क्या तू? जी. ये जो लड़का है ना, ये स्कूल से सीधा जाता है कुर्सिया के घर, वहां पे खाना खाता है, वहां पे बैठता है, वहां ही दिल लगता है, इसका घर में नहीं लगता. अच्छा, तो ये बात है. जी, तो मेहरबानी करके ना जरा इस पे सख्ती करें, थोड़ा लगामे इसकी खींच के रखें. ओ बेवकूफे, भूल गई है? ओए औलाद, जब जवान हो जाए ना तो उस पे सख्ती नहीं करते. बस इसका एक कोई इलाज है, ब्याह करो इसका, शादी करो, इसकी ठीक हो जाएगा. ले, जो ही खाना करें इसका कर दे प्या. ऐसी बातें कर रही हो सफिया? तुम देखना, जब मेरी बेटी का वक्त आएगा तो रिश्ता खुद ब खुद चल के हमारे पास आएगा. बस तुम कुत्सिया से बात करो और ब्याह करो इसका. ठीक है. वैसे भी तबरेज ने वादा किया है कि जूही का रिश्ता ना सुमल की तरह किसी बड़े खानदान में करेगा. क्यों नहीं, क्यों नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह हमारी बेटी के नसीब अच्छे करे. अम्मा अब्बा,
मुझे नहीं पता, मैं लाहौर जा रही हूँ। ओए एमिन, लाहौर जाना है? पागल हो गई है? पुत्र क्या हो गया तुझे? ओए अभी तो हम लाहौर से होके आए हैं। तो क्या हुआ? मेरे भाई का घर है, जब दिल चाहेगा जाऊंगी मैं। चाचा जान, इस बार मैं भी जाऊंगी आप लोगों के साथ लाहौर। लाहौर? सुनो। नहीं पुत्र, कोई कहीं नहीं जा रहा, ये तो जूही है भी यबलियां मार रही है, वाई फायरिंग कर रही है। कोई यबलियां नहीं मार रही, पक्का प्रोग्राम बना के बैठी हुई हूँ मैं। और तुम नाम की भाभी, जब मेरा भाई बुलाए ना तभी जाने का नाम लेना, ये खामखा। जूही, अब तक तुझे सुनाई नहीं दिया? जब एक दफा मैंने कह दिया है कि कोई कहीं नहीं जा रहा, तो मतलब कोई कहीं नहीं जा रहा। शाबाश।